और भगवंत मान का एक एड्डा नलायक ट्वीट आया, एड्डा बचकाना ट्वीट आया कि जे हरियाणे नूं जगह देने लगे चंडीगढ़ विधानसभा बनाउण लई सानूं भी जगह दे दिओ। ओए साडा ही शहर आ, ये तो वह गल करती तुसीं कि घर कोठी साडी आ ते किराएदार ने आण के कब्जा कर लिया ते फिर असीं किराएदार नूं कहने कि एक कमरा मैनूं भी रहण नूं दे दे इत्थे दुबारा। इट इज़ सच ए फुलिश स्टेटमेंट। और नाल विधानसभा कॉम्पलैक्स सारा इनकलूडिंग द हाई कोर्ट ये हैरीटेज बिल्डिंग आ, सिटी ब्यूटीफुल जिहड़ा कि वर्ल्ड ओवर नोन आ चंडीगढ़ शहर, उहदी हैरीटेज उहदी विरसे नूं चक के तुसीं दूजे बंदिआं नूं सूबिआं नूं अधिकार दे रहे हो। इस करके मैं समझदा वां कि भगवंत मान नूं किसे दिन खड़ा होना पवेगा, जिन्ना यह लिफेगा उन्ना गैर पंजाबीआं नूं लिफाउणगे, उन्ना लम्मा पाउणगे। मेरी उन्होंने बेनती आ कि अपने सूबे के लोगों ने तुहानूं चुणिआ वा, 92 MLA तुहानूं केजरीवाल ने नहीं बनाए, तुहानूं पंजाब दे वोटां पा के पंजाब पंजाब के लोगों ने वोटां पा के तुहानूं बनाया वा, उन्होंने हकूक वास्ते खड़े हो। आ डोमसाइल की गल आ रही है, कल परसों एक लिस्ट तुसीं देखिआ जिहड़े असिस्टेंट लाए PSTCL च, असिस्टेंट की लाए सी नहीं उन्हें नहीं असिस्टेंट सब स्टेशन को मैनेज करने वास्ते बिजली बोर्ड में, वो सारे राजस्थान के बंदे निकले ने, हरियाणे के निकले ने जाके, क्योंकि जो असं इश्तहार देने पंजाब दी सरकारी नौकरियों का असी पंजाब की डोमिसाइल की शर्त ही नहीं लाते। वो सारे पिछले दिनों में जो सोशल मीडिया की टीम लाई है इन्होंने डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन दफ्तर के 100 के करीब आके बंदा बिठाता जिहड़ा आम आदमी पार्टी का दिल्लियों काम करता सीगा, सोशल मीडिया पार्टी का काम चलाउंदा सीगा, वह सारे चक के लिया के बिना किसी इश्तहारबाजी तो एक छोटे जे इश्तहार, गुप्त जे इश्तहार दे के वॉक इन इंटरव्यू रख के कोई SS सर्विसिज प्रोवाइडर, एक बहुत शेडी कंपनी आ पटियाले की, उहदे जरिए वॉक इन इंटरव्यू रख के लख लख रुपया महीने की तनखाह के उत्ते जिहड़े बंदे इन्हां दा सोशल मीडिया चलाउंदे सीगे बोकर दा उन्हां बोकरां नूं लिहाज विच बिठाता इन्हां ने साडे सिर के उत्ते, साडे बच्चों के उत्ते। और मैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स नूं पुछना चाहुंदा, तुहानूं कदी पुछिआ किसी ने तुहानूं राज्यसभा के मैंबर बनाउण लगे लवली आला बनाया, एक सनी अरोड़ा बनाया प्रॉपर्टी डीलर, दो बनाए गैर पंजाबी, तुहानूं पुछिआ किसी ने कि असीं बनाउण लगे तुसीं दरियां चक्कियां इन्हां दे वास्ते पिछले 9-10 सालों तो, तुहाडे ते परचे दर्ज होए तुसीं कहिंदे हो, तुसीं इन्हां दे बूथां दे उत्ते खड़ के वोटां पवाउंदे हो, तुहानूं किसी नूं पुछिआ वा कि असीं वॉक इन इंटरव्यू रखण लगे हां? ज़्यादा नहीं तो 100 बच्चा तो पंजाब की धरती ते जिहड़ा रोज़ सोशल मीडिया से आम आदमी पार्टी का बोकर का निशान लैके रोज़ चीक चहाड़ा पाउंदे हो, तुहाडी जगह देता है बाहरों, मैं तो हुण लफ्ज़ ना घुमा लिओ, बाहरों बंदे लिया के साडे पंजाब के सकत्तरे दे विच बिठा दिते ने। और हुण पंजाब की सारी कमांड राघव चड्डे दे कोल आ, ही इज़ द डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर। भगवंत सिंह मान अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक शो पीस की तरह रखा है, उन्होंने सवेरे कट लेंगे 11 बजे 5 बजे वो घर वापस वाड़ देंगे ने। मेरे ये उ बंदा वा जिहड़ा इल्जाम लाउंदा सी कैप्टन अमरिंदर सिंह कि शाम को लभदा नहीं गा, तो आप लभदा कि किसी मीनिंगफुल गल ते किसी वड्डे पंजाब दे मुद्दे दे उत्ते कोई स्टैंड नहीं लिया, सिर्फ बस कोई ट्वीट करता एक तरफा वीडियो बना के भेज दिती, ये पंजाब दे लई नाकाफी है। और मैं ये कहना चाहना सारे समूह पंजाब दे आवाम नूं कि ठीक है तुसीं इन्हां नूं वोटां पा के बना दिता वा, और मैं देखिया वा कि तुसीं बहुत जल्दी इस गल का एहसास करके संगरूर दे विच इन्हां दा उल्ट फेर भी कर दिता वा, इन्हां तों बचो। और मैं पंजाब दे जिहड़े लीडर्स ने बोकर पार्टी दे उन्हां नूं मेरी ये फरियाद आ कि अपने पंजाब दे नाल खड़ो, किसी केजरीवाल दिल्ली वाले ने तुहानूं आण के इत्थे पंजाब दे विच सरवाइव नहीं करवाउणा पोलिटिकली। और आ जिहड़ा मुद्दा ते बयान दिता हरजोत बैंस ते हरपाल चीमा, दे शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ पंजाब, दे नीड दे हैव टू टेंडर अनकंडीशनल अपोलॉजी फॉर मेकिंग ए फूलिश इरिस्पोंसिबल एरोनियस एंड एंटी पंजाब स्टेटमेंट, जिहदे तुसीं जाके कह रहे हो कि एक ट्रिब्यूनल बना दिओ ते साडा जिहड़ा पानी का फैसला भारत सरकार करे, असीं ना करिए कोई काम फैसला करे। इस करके मैं अज तुहानूं सारयां नूं इत्थे याद कीता सीगा, तुहाडा सारयां दा मैं बड़ा मशहूर हाँ, अपने पार्टी के कुलीग्स का सारयां दा बहुत मशहूर हाँ कि साडे नाल आण के इस महत्वपूर्ण इशू के उत्ते तुसीं सब ने अज इस कवर किया, धन्यवाद। अगर कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते। इट इज ऑलरेडी अंडर चैलेंज, क्लॉज 78 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज ऑलरेडी अंडर चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
मैं सिर्फ यह कह रहा कि इन्हां कलोजा नाल लड़ाई करो जिहदे नाल साडी कहानी वंड हुई आ साडा साडा जिहड़ा सीगा कैपिटल शहर खोलिया साडा बीबीएमबी का कंट्रोल खोलिया साडे पानी खोले उस रीओरगनाइजेशन के एक्ट को चैलेंज करने की लोड़ है बजाय कि आप एक ट्रिब्यूनल नवा मंगन लग गए हैं जिहड़ा कि ट्रिब्यूनल बनेगा वो मेरे तो लिखा लो किसी कोरे कागज़ के उत्ते बीजेपी के निर्देशों से पंजाब के पानी अगे होर कहानी वंड करेगा तो खो के साडा पानी जिहड़ा रहिंदा खुंदा वह लैके जाए तुहानू मैं रिटन स्टेटमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना तुहाडे ईमेल के उत्ते दोनों जबानों में पंजाबी ते अंग्रेजी में जिहड़ी आ इह स्टेटमेंट तुहाडे को ईमेल ते भी पहुंचेगी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ बेटे वंड दिओ एक रख लो अपने लिए इधर जेडे जेडे अद्धे इधर आओ ना मेरे पास एक ना प्लीज टीवी ऑन करो समझा दे देखो दोस्तों इदा वा कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बदलाव की नीति का नारा ला के पंजाब बनाई इन्होंने कहा कि जी कैप्टन ते बादल पुरानी रवायती राजनीति करते ने और बदलाखोरी की राजनीति करते हैं पक्षपाती राजनीति करते हैं तो लोगों ना ज्यादती करते आज साढ़े को जोड़े साढ़े मेरे भरा खड़े ने यह दिड़बे हल्के ने जखेपड़ ने इन्होंने ये ओपोजिशन पार्टिया के मैंबर ने इन्हें चक के एस सी एक्ट का जो मुकदमा दर्ज करता सारे के उत्ते किसी वाजब किसी कारण तो मैं थोड़े शब्दों चाहूँगा कि एक बंदा तो आ के माई एक ना एक मिनट टीवी ऑन करो जरा जी ऑन करो जरा आज परचे आने इधर आज सारे इधर जेडे जेडे अद्धे इधर आओ ना मेरे पास एक ना प्लीज टीवी ऑन करो जी समझा दे मोटे तौर से कितने बजे परचा दर्ज ज्यादा धारा की पाई इदा करते खड़ा खड़ा देखो दोस्तों इदा वा कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बदलाव की नीति का नारा ला के पंजाब बनाई इन्होंने कहा कि जी कैप्टन ते बादल पुरानी रवायती राजनीति करते ने और बदलाखोरी की राजनीति करते हैं पक्षपाती राजनीति करते हैं तो लोगों ना ज्यादती करते आज साढ़े को जोड़े साढ़े मेरे भरा खड़े ने यह दिड़बे हल्के ने जखेपड़ ने इन्हों सारे एक एस सी एक्ट का परचा दर्ज किया गया सिर्फ इस करके क्योंकि ये कांग्रेस को बिलोंग करते हैं ये ओपोजिशन पार्टिया के मैंबर ने इन्हों चक के एस सी एक्ट का जो मुकदमा दर्ज करता सारे के उत्ते किसी वाजब किसी कारण तो मैं थोड़े शब्दों चाहूँगा कि एक बंदा थोड़े चो आ माइक के उत्ते बोले कि कारण सगा तो क्यों परचा दर्ज किया उची बोलो जरा थोड़ा आ सुन लो जरा सारी गल बदला को अपनी इंट्रोडक्शन देख ना छेती ना बोल मैं हरभजन सिंह पिंड जखेपल तो सरपंच भी सी पंच जी जखेपल तो सरपंच भी साडा एससी है जी तो उत्थे किसी कारण करके आम आदमी पार्टी के जो अपने वित्त मंत्री ने हरपाल सिंह चीमा जी उन्होंने एक विरोध की राजनीति करते हुए साढ़े तो एस सी एक्ट का बिना प्रूफ बिना इनकुआरी तो परचा दिता गया कोई साढ़े खिलाफ प्रूफ नहीं कुछ असी बोलिया नहीं गया एक कंप्लेट लिखा ही उन्होंने वर्कर ने तो चाके डी एस पी दिड़बा साहब एस एच ओ धर्मगढ़ ने साढ़े तो सत्त जने पर परचा दर्ज कर दिता एक बदलाखोरी की नीति देता मेरे पंच दो हंबड़वास जखेपल पिंड दास्तान सुन रही है और सिर्फ एक कंप्लेंट एक एप्लीकेशन दे के इन्हें एस सी एक्ट विच इज़ वेरी सीरियस ऑफेंस
which is a very serious offence, it has to be first inquired by a gazetted officer, not less than the rank of a DSP. ਉਹਦੀ ਬਗੈਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਜ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਹ ਹੁਣੇ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣਾ ਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਸਟੇਨ ਯੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ, ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇ ਕੈ ਨੋਟ ਰਨ ਅਵੇ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੇ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਟਾਨਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 60% ਕਰੇ ਜਾਂ 40% ਜਿਹੜੇ ਇਨਮੇਟਸ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰੱਗਸ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਜੇਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਕਦੀ AK-94 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ AK-74 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ AK-47 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਂਸਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਰੈਂਸ ਪਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫੋਰ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਬੱਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਸੈਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰਸ ਲਾਈਕ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਬੜਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਖੇਪਲ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਫਰੋਤੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ, ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਬਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਕੈ ਨੋਟ ਐਸਕੇਪ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਸਟ ਸੇ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 70 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਪੈਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।